डियर सब्सक्राइबर, वेलकम टू द कंप्लीट एग्जाम। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी संबंधी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो बन सकते वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। और मैंने इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ पर कि आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर लेना, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगे। और मैंने इस वीडियो में टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए। बेसिकली जो क्वेश्चन है मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनसे उठा के मैंने यहाँ पे देखे, जो बहुत से जो महात्मा गांधी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर करके कंपिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वहां से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चन यहाँ पे लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये किस तिथि को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को हर साल महात्मा गांधी जी की जन्म तिथि मनाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली क्वेश्चन सबको पता होगा, बेसिकली हम बेसिक से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10-10, 15-15 बार ये एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए। मैंने मोस्ट सिलेक्टेड यहाँ पे 75 क्वेश्चन ली है। जैसे हम 10th क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे तो मैं आपको एक सरप्राइज रखा हूँ यहाँ पे, आप वो वीडियो पूरा देखिए। जैसे 10th क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा कि मैंने इस वीडियो में आपके लिए क्या सरप्राइज रखा है। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो ये किसने दी महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि, तो ये दी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी है, जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी है। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये कौन था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, वो था विंस्टन चर्चिल। कौन था, विंस्टन चर्चिल, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 10 या 15 बार ये पूछा जा चुका है। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो ये कौन थे, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता, तो ये थे महात्मा गांधी जी। कौन थे, महात्मा गांधी जी चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। तो क्लियर है आपको, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था। तो इसका प्रयोग कहाँ पे किया था महात्मा गांधी जी ने, ये किया था दक्षिण अफ्रीका में। कहां पे, जो महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह चलाया था उसको हथियार के रूप में सबसे पहले जो दक्षिण अफ्रीका कंट्री है वहां पे इसका प्रयोग किया था, यानी इसका इस्तेमाल किया था। क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था। तो ये कहाँ पे किया था, ये किया था चंपारण में। जो चंपारण नील आंदोलन था उसमें जो महात्मा गांधी है उन्होंने सबसे पहले भारत में सत्याग्रह किया था। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि कौन से साल किया गया था, तो ये किया गया था 1917 में। कब किया गया था, 1917 में ये सत्याग्रह किया था किसने, महात्मा गांधी ने, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। तो ये कब लौटे थे महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, तो ये लौटे थे 1915 में। कब लौटे थे, 1915 में जो महात्मा गांधी जी थे ये दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, ये किसने कहा था। तो ये किसने कहा था, ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था, जो विंस्टन चर्चिल थे इन्होंने कहा था कि जो महात्मा गांधी है इनको अर्धनग्न फकीर भी कहा था। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10 या 15 बार भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊँ, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो ये किसने सबसे पहले जो महात्मा गांधी उनको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था।
तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये किसने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन का नारा? तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। किसने दिया था? जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। कब दिया था? 1942 में। अब मैंने आपको कहा था कि जैसे 10 क्वेश्चन आ जाएगा मैं आपको एक सरप्राइज़ बताऊंगा, तो जान लीजिए वो सरप्राइज़ क्या है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मैं कितने क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, टोटल 75 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ये बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 75 क्वेश्चन नहीं करवाने वाला। मैं इस वीडियो में आपके लिए टोटल 100 सिलेक्टिव क्वेश्चन लेके आया, तो आप ये वीडियो पूरा ध्यान से जरूर देखिए। आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगर वीडियो आपको ज़्यादा लंबा लग रहा होगा तो स्किप करके एक दो बार इसको देख सकते हैं, एक दो बार आप ये वीडियो देखिए, आपको सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो ये कहाँ की थी साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने? तो ये की थी अहमदाबाद में। कहाँ पे की थी? अहमदाबाद में। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किस वर्ष की थी? ये की थी 1917 में। कब की थी? याद रखना किस साल किया था, 1917 में किसने, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो ये किसे मानते थे? ये मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को, जो महात्मा गांधी थे ये अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय का विचार किसने दिया? तो ये किसने दिया था अंत्योदय का विचार? ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने अंत्योदय का विचार दिया था। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी है? तो ये कौन सी है? ये सत्य और अहिंसा। कौन सी है? सत्य और अहिंसा। जो महात्मा गांधी, इनके सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है कौन सी? सत्य और अहिंसा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना मार्ग बनाया था? तो एक का कौन से आंदोलन के दौरान जो महात्मा गांधी थे इन्होंने सर्वप्रथम अपना जो भूख हड़ताल को अपना मार्ग बनाया था? तो ये बनाया था अहमदाबाद आंदोलन को के दौरान। किस आंदोलन के दौरान? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। आपसे किस साल ये आंदोलन हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, तो ये किस साल किया था? ये किया था 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो क्या था इसका मुख्य लक्ष्य? ये था कुटीर, या कुटीर यानी क्या होता है, जो कुटीर उद्योग है उसको प्रोत्साहित करना। यही महात्मा गांधी जी का विशेष यानी आंदोलन का विशेष लक्ष्य था। बेसिकली होता क्या था, जो विदेशी वस्तु है, जो विदेशी वस्तु होती थी वो इंडिया में आती थी और उसका महात्मा गांधी ने बहिष्कार किया था। क्यों किया था? कुटीर उद्योग में लोगों को प्रोत्साहित करने। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? तो ये क्या था, महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह था उसका प्रमुख अस्त्र क्या था? ये था अहिंसा। क्या था? याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो महात्मा गांधी है जिन्होंने सत्याग्रह किए थे उसका प्रमुख अस्त्र क्या था? वो था अहिंसा। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा था? तो ये कहाँ पे रखा गया था? ये रखा गया था आगा खां पैलेस में। कहाँ पे? आगा खां पैलेस में इनको रखा गया था। और ये भी पूछा जा सकता है कि आगा का पैलेस कहाँ पे? यह है पुणे में। और पुणे कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920-21 में किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था महात्मा गांधी जी ने। किसने किया था? जो महात्मा गांधी, उन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था। कब? 1920 और 1921 में। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो ये क्या कहा गया था? प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान जो महात्मा गांधी, उनको क्या कहा गया था? ये कहा गया था रिंगटिंग सर्जेंट। क्या कहा गया था? रिंगटिंग सर्जेंट, ये महात्मा गांधी जी को कहा गया था। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका का शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया? तो ये किसने किया? ये किया महात्मा गांधी ने। जो महात्मा गांधी जी थे इन्होंने अभी
जो यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत की थी, कब की थी, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो ये कब स्वीकार किया गया, ये किया गया लाहौर अधिवेशन के दौरान। कब, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके दौरान जो तिरंगा है उसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था। तो ये कब प्रारंभ हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था 1930 में। कब, 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो ये कौन से साल शुरू किया गया था, ये किया गया था 1930 में। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। मैंने जो आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो को जरूर देखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था। तो ये कौन थे, ये थे बवे मिलर। कौन थे, बवे मिलर। जो बवे मिलर थे उनको जो महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा हुई, दांडी मार्च हुई थी उसके दौरान अपने साबरमती आश्रम में इनको ठहराया था। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया था। तो ये कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। कब जोड़ा गया था, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसके दौरान ये जोड़ा गया था। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किस उद्योग में समर्थक थे। तो एक किस उद्योग के समर्थक थे गांधी जी, ये थे कुटीर उद्योग के। कौन से उद्योग के, कुटीर उद्योग के समर्थक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो क्या था इसका मुख्य लक्ष्य, भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य। क्या था, भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का प्रमुख लक्ष्य था, ये मुख्य इनका लक्ष्य था। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वात का वास्तविक स्थान जीवा नहीं मन है, ये किसने कहा था। तो ये किसने कहा था, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने कहा था स्वात का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि वो क्या है, वो मन है। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है वो क्या है। तो ये क्या है, एक है सत्य और अहिंसा। जो महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह है वो किन्हीं दो है, वो दो से जुड़ाव है, वो कौन से, वो है सत्य और अहिंसा। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी कब बनाई थी। तो ये कब बनाई थी, ये बनाई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। कब बनाई थी, असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो ये किसने किया था, ये किया था सरोजिनी नायडू ने। किसने किया था, सरोजिनी नायडू ने किया था। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून के उल्लंघन में महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था उसका नाम क्या था। तो क्या नाम था उसका, उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था। तो ये किसने रचा था, ये रचा था नरसिंह मेहता ने। किसने, नरसिंह मेहता ने। जो महात्मा गांधी उनका प्रिय गीत था कौन सा, वैष्णव जन, तो उसकी रचना की थी। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक थे। तो ये कौन थे, ये थे महात्मा गांधी। कौन, महात्मा गांधी जो है वो यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे। तो क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गांधी जी का सबसे पहले, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो किसने कहा था, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई। तो ये किस आंदोलन की विफलता के बाद बनाई गई, ये बनाई गई असहयोग आंदोलन के बाद। कब, असहयोग आंदोलन के बाद ये बनाई गई स्वराज्य पार्टी। तो क्लियर है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो ये कौन थी, ये थी पुतलीबाई। कौन थी? पुतलीबाई, जो मोहनदास करमचंद गांधी उनकी माता थी। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये किसने दिया था, ये दिया था महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कब दिया था, कौन से अवसर पर दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पे दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, वो हुआ था 1942 में। तो क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो कौन से धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था, वो कहा था भगवत गीता को। किसको कहा था? भगवत गीता को। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो कौन से समाचार पत्र का संपादन किया था गांधी जी ने, ये किया था सर्वोदय का। कौन से? सर्वोदय समाचार पत्र का संपादन किया था। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित पत्र का नाम क्या था? तो क्या नाम था इसका? नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था? यंग इंडिया। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो ये किस वर्ष पारित किया, ये किया 1942 में, यानी 1942 में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रक्रिया क्या थी? तो क्या इसकी तात्कालिक प्रक्रिया थी, इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था। जो नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा है, उसके बाद जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसकी तात्कालिक प्रक्रिया क्या थी, उस पर कोई भी गंभीरता से उस पर विचार वगैरह नहीं किया गया था। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किसके संबंध में है? तो ये किसके संबंध में है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? गांधी इरविन समझौता किसके संबंध में है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी को क्या माना जाता है? महात्मा गांधी जी को क्या माना जाता है? इनको माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी। क्या माना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे, ये थे लियो टॉल्स्टॉय से। किसके? लियो टॉल्स्टॉय के कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। कौन? महात्मा गांधी जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा के आयोजन में किसका विरोध किया? तो ये किसका विरोध किया था, ये किया था रॉलेट एक्ट का। कौन से एक्ट का? रॉलेट एक्ट का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो कहाँ पे किया था इसका प्रयोग, ये किया था दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे किया था? दक्षिण अफ्रीका में। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो ये कौन कौन शामिल थे, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। कौन कौन शामिल थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू नहीं किया था? तो ये कौन सा आंदोलन शुरू नहीं किया था, इन्होंने जो स्वदेशी आंदोलन था उसको शुरू नहीं किया था। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया था? तो ये कौन सा पुरस्कार दिया था, ये दिया था केसरे ए हिंद। कौन सा? केसरे ए हिंद, ये पुरस्कार दिया गया था। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को कहाँ पर कैद किया गया था? तो कहाँ पे कैद किया गया था, ये किया गया था आगा खान पैलेस में। कहाँ पे? आगा खान पैलेस में। और ये कहाँ पे है, ये है पुणे में। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो ये कौन सी थी साप्ताहिक पत्रिका, ये थी यंग इंडिया। कौन सी थी? यंग इंडिया, ये जो महात्मा गांधी द्वारा ये शुरू की गई थी। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरी कांड के बाद वापस ले लिया था? तो ये कौन सा आंदोलन है, यह असहयोग आंदोलन। जो असहयोग आंदोलन है उसको महात्मा गांधी ने चौरी चौरी कांड के बाद वापस ले लिया था। तो क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गांधी जी ने किस सिद्धांत या
युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था। तो ये कौन सी कृति है? यह है न्यायधारिता। कौन सी? न्यायधारिता। इसके मदद से जो महात्मा गांधी है, इन्होंने जो आर्थिक असमानता है उनको दूर करने का प्रयास किया था। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय का विचार किसने दिया? तो ये किसने दिया? ये दिया महात्मा गांधी ने। फ्रेंड्स माफ करना क्योंकि आप एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए, उसके लिए सॉरी। क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में स्वतंत्रता के समय करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? ये दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था? जो भगत सिंह थे उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? तो ये कौन गया था? ये कौन गए थे? ये गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये कहाँ से आरंभ किया था? ये किया था साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से इसको आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? ये मानते थे आर्थिक स्वतंत्रता का। किसका? आर्थिक स्वतंत्रता का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो कौन से महीने में शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था अगस्त महीने में। कब किया गया था? अगस्त महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो इसका गठन कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था बलिया में। कहाँ पे? इसका गठन किया गया था बलिया में। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया था? तो ये कब किया गया था असहयोग आंदोलन का आरंभ? ये किया गया था 1920 में। कब किया गया था? 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी किसका उल्लंघन होगा? जो द्वितीय विश्व युद्ध होगा, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर होगा, उसके दौरान किसका उल्लंघन होगा? तो किसका उल्लंघन होगा? ये उल्लंघन होगा अहिंसा का। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस साल आए थे? तो ये किस साल आए थे? ये आए थे 1915 में। कब आए थे? 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो ये कहाँ से स्टार्ट की थी? ये की थी अहमदाबाद से। कहाँ से? अहमदाबाद से इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो क्या नाम है इनका पूरा? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। तो क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो क्या नाम था इसका? इंडिया ओपिनियन। क्या नाम था? इंडिया ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था चंपारण में। कहाँ पे? चंपारण में हुआ था। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि नहीं, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को जरूर देखिए, इसको स्किप मत कीजिए। अगर स्किप कीजिएगा तो इसमें लॉस आपका ही है। और मैं यहाँ पे आपको 75 नहीं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? तो ये कहाँ पे शुरू किया गया? ये शुरू किया गया बारदोली में। कहाँ पे? बारदोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रह के रूप में किसे चुना? तो ये किसे चुना? ये चुना विनोबा भावे को। किसको? विनोबा भावे को। तो क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? ये किसने कहा था? ये कहा था गांधी जी ने। किसने कहा था? गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है?
ये कहा जाता है सरोजनी नायडू को, किसको? सरोजनी नायडू को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था? तो ये कौन सा समाचार पत्र है? यह वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम, ये प्रकाशित नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसने कहा था अहिंसा में एक शक्ति है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा था? तो ये किसे कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस को। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उनको, जो महात्मा गांधी, उन्होंने कहा था देशभक्तों का राजकुमार। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ के रचनाकार कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे महात्मा गांधी। कौन थे? ये थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? यहाँ पे नहीं होगा, थोड़ी मिस्टेक है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? वो कहा था रॉलेट एक्ट को। कौन सा? रॉलेट एक्ट को। तो क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी महात्मा गांधी जी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कहा था, जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी तब कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। तो क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जय हिंद का नारा दिया था? तो ये किसने दिया था? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसे सीमान गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खान को। किसको? अब्दुल गफ्फार खान को सीमान गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था अमृतसर में। कहाँ पे? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पे? पंजाब में। अब कब हुआ था ये आपसे पूछा जाए, तो ये हुआ था 1919 में। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। आप एग्जाम से पहले एक या दो बार ये वीडियो देख के जाना, आपको सभी क्वेश्चन मेरी वीडियो से मिलेंगे। और नेक्स्ट टाइम अपन जीके हो गया, जीएस हो गया, पॉलिटी वगैरह, कोई भी जो कंप्यूटर एग्जाम से रिलेटेड जो कोई भी जो सीरीज़ है वो अपन स्टार्ट करेंगे। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गांधी जी और अंबेडकर के बीच पुना समझौता कब संपन्न हुआ? तो ये कब संपन्न हुआ? ये हुआ 26 सितंबर 1932 में। कब? 26 सितंबर 1932 में। जो महात्मा गांधी जी थे और जो भीमराव अंबेडकर थे उनके बीच पुना समझौता संपन्न हुआ कब? 26 सितंबर 1932 में। तो क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है अगस्त क्रांति के नाम से। किस क्रांति से? अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते, हिंदू व्यू ऑफ द लाइफ किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है? ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। किसकी है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये किसकी कृति है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। तो क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्तियों की आंख से आंसू पोंछना होगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? यह महात्मा गांधी जी का। किसका है? महात्मा गांधी जी का। तो क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? तो क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी से कौन जुड़े थे? तो ये कौन जुड़े थे? ये जुड़े थे सरोजनी नायडू। कौन जुड़े थे? सरोजनी नायडू। तो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंगे या मरेंगे का नारा गांधी जी ने किस अवसर पर दिया था? तो ये किस अवसर पर दिया था? ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पे।
तो क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते। साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाता है, यह विचार किसने विकसित किया था? तो ये किसने विकसित किया था? ये किया था महात्मा गांधी जी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी? तो ये कौन सी थी? ये थी इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन बोली या इंडिया ओपिनियन बोली, एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो ये कितनी बार बने थे? ये बने थे एक बार, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, महात्मा गांधी जी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया था? तो कब किया था? 1919 में। कब किया था? 1919 में। तो मैंने आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी से रिलेटेड 100 क्वेश्चन मैंने आपको किए हैं, आपको यहाँ पे करवा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे आप हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कम्प्लीट एग्जाम ऑलवेज विथ यू।